इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 जल संसाधन भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण, मतलब पानी जब बरसता है तो उस पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है, रोका जाता है। बहुत से लोगों को मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रदा असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक आर्थिक और परिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत लोग मानते हैं कि अगर बहु उद्देश्यीय परियोजना का कुछ लाभ भी है तो लाभ इसलिए है क्योंकि विरोध होता है। ऐसा भी बात नहीं है, कुछ भी लाभ, अलाभ की बात छोड़ दो, कोई भी चीज बनता है तो किसी न किसी के भलाई के लिए बनता ही होगा। जो स्थानीय लोग वहां से हटे हैं उनके लिए तो कुछ कहीं ना कहीं जगह मिला होगा ना। चलो नहीं मिला होगा, उनके घर में बिजली तो मुफ्त में मिलती है, चलो मुफ्त में नहीं मिलती है, सस्ती मिलती है, हर किसी के घर में बिजली है। क्योंकि परिस्थितिक तंत्र जो होता है वहां पे, उसके वजह से थोड़ा मोड़ा दिक्कत हर किसी को होता है, झेलना पड़ता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जब हम और पहले कुछ 100-200 नहीं करीबन 1000 वर्ष पहले की बात कर लें तो भारत में ऐसे ही जल को बचाए रखने के लिए एक जगह रखने के लिए डैम बनाए जाते थे। भले लकड़ी का वो बनता हो बांध, लेकिन डैम तो था, खेतीबाड़ी करने के लिए तो था, और नगर के बीच से एक रास्ता जाता था, उसी में पानी जाएगा। तो यहाँ पर भी है, प्राचीन भारत में आज से करीबन हम 1000 साल पहले की भी बात करते हैं तो उस समय उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। मतलब पहले तो भाई पानी का इस्तेमाल तो करते थे लोग, उसको बचा कर रखते थे, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा जगहों पर भी पानी संग्रहित, मतलब उसके लिए ढांचा बनाते थे, बांध बनाते थे कि पानी को रोक कर रखा जा सकता है। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहन ज्ञान था, बारिश के पानी और मिट्टी के गुणों का बहुत ज्यादा ज्ञान था लोगों को। उन्होंने स्थानीय परिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। और जो पुराने जमाने के लोग थे अपने परिस्थिति के अनुसार वो क्या करते थे, आवश्यकता अनुसार वर्षा का पानी कितना रोकना है, भूमि का जल कितना रोकना है, नदी का पानी कितना रोकना है, बाढ़ को कैसे रोकना है, बाढ़ के पानी को कैसे रोकना है, ये सब के बारे में तरीके विकसित थे उस समय। पहले भी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा, यहाँ पर देखो गुल अथवा ये फ्लॉड का दृश्य देख लो, बाढ़ आता है तो कैसा लगता है, पूरा एकदम जलमग्न लगता है कि समुंदर ही समुंदर है। हैवी रेन ड्राउन कोलकाता, कोलकाता तो हमेशा डूबले रहेगा। ऊपर दिया गया है गुल और नीचे है कुल, तो कुल पश्चिमी क्षेत्र जैसे वाहिकाएं जहां से पानी आती है, नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाया गया है कि भैया सारा पानी खेतों में आए, सिंचाई करवाए, उसके बाद से कहीं जाना है तो जाए। पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत कहाँ चला जाता है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। देखो किस तरह, अभी सामने एक फोटो दिख रहा है, छत पे बारिश का पानी अरता है, फिर वह पानी टैंकर में जाता है, टैंकर से होते हुए कल के नीचे जा रहा है और फिर नीचे वाले लेयर में ये मिल जाता है। तो बारिश का पानी का इस्तेमाल ये लोग ऐसे करते हैं, हम लोग को भी करना चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कैसा करो कैसा नहीं करो, एक बड़ा सा सोख्ता बनवाओ, सोख्ता बनवाने के बाद एक पाइप को जमीन में डालो, जमीन में डालने के बाद एक छत से कनेक्ट कर दो, तो छत का सारा पानी वो टैंकर में जाएगा, टैंकर का होते हो तो जमीन में जाएगा, तब पानी जल्दी से जमीन में जाएगा तो पीने लायक पानी नीचे से निकाला जा सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में, तो और ज्यादा कष्ट हो जाता है जब पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो छत का पानी का वो लोग बचा कर रखते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं।
मतलब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं, मतलब पोखरा पोखरा बनाया जाता है जिसमें पानी को रखा जा सके। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। गड्ढा बनाकर मिट्टी को सिंचित किया जा सके, इसलिए उसमें पानी जमाने के लिए सब काम किया जाता था। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहर खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं, जहां पे ये लोग पानी को इकट्ठा करते हैं खेतों में पानी पटाने के लिए, चाहे उसको फिर से पीने के लिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका, यहाँ पर टंकी नहीं है, टंका टंका हुआ करते हैं। छोटा सा होता है तो उसको टंकी बोलते हैं, बड़ा सा होता है उसको टंका बोलते हैं, तो टंका वो लोग बनाते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है, कितना, एक बड़े कमरे उतना। तो राजस्थान में इस इलाके में बहुत ज्यादा पानी का दिक्कत है, चाहे बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, बाड़मेर हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पे। पहले रजवाड़े लोग हुआ करते थे तो तालाब बनवा देते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, कितना, 6.1, मतलब मेरे हाइट से 1 मीटर ज्यादा, तो उतना गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंकी बनाया जाता है, मतलब करीबन 2000 पानी उसमें भर सके, 2000 लीटर, 2000 लीटर से ज्यादा ही, क्योंकि जब सीमेंट का बनता है तो ज्यादा अटता है उसमें, तो करीबन 2000 पानी अटाने के लिए टंकी बनता है। तो टंका टंकी यहाँ सुविकसित छत जल वर्षा संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग है। टंकी जो है पानी, छत के पानी को इकट्ठा करने का अभिन्न अंग है ये। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, आर यू, क्या आप पानी बचाने वाले इंसान दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, छत का पानी आया, एक टंकी बना, टंकी में गिरा दिया गया, वहां से सब प्यूरिफाई हो जाता है जमीन के अंदर जाकर, और इसी पानी को कुआं जैसा बनाया गया है, ऊपर से पानी निकालकर ये लोग पीने का, नहाने का, खाने का जो भी काम करते हैं इससे कर लेते हैं। और जहां पर पानी खूब पाया जाता है वहां पर बोल दिया जाए तो प्राण सूख जाएगा कुआं से पानी पीने में। अब तो भाई उसमें देखेगा लो, मेढक है, मछली है, बैक्टीरिया है, यहाँ पर आर्मी वाला नदी का पानी पी लेता है तो कोई बात ही नहीं है। तो छत वर्षा जल संग्रहण, छत के पानी को बचाना, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। पीवीसी मतलब प्लास्टिक का पाइप का इस्तेमाल करके सीधा पानी टैंकर में डाला जा सकता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का खनन फिल्टर किया जा सकता है। जैसे में रेत और ईंट आपको करना क्या है, नीचे मतलब रख देना है, आपको ईटा बिछा देना है, ऊपर से बालू डाल देना है, और बालू के बाद ऊपर एक वो बड़का सा टैंकी बनाकर डाल देना है, बाकी सब पानी फिल्टर हो जाएगा अपने आप, मिट्टी की वजह से फिल्टर हो जाएगा। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, टंकी तक लेकर जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है, जहां पर टैंकर होता है उससे कुएं तक जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, और जो कुएं का जल है वो फिर से भूमि के जलों का पुनर्भरण, मतलब फिर से पानी भर देता है। जो जमीन में पानी की कमी होती है सब पूरा हो जाता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। ताजगांव में जितना भी कुआं है सब लोग उसमें टोटरम डाइन भक्साइन कर रहा है। जैसे में मंदिर का कचरा पोखरा में, मंदिर का कचरा नाला में, और नाला में छोड़ो, ये क्या बोलते हैं, कुआं में। तो कुआं लोग, कोई भी मंदिर पहले था ना वहां पर कुआं हुआ करता था, आज उस कुआं में सबसे बेसी कचरा रहता है, पानी का तो भूल जाओ, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। तो सबसे पहले सरकार को करना क्या चाहिए, ये जितना भी कुआं
है हर क्षेत्र में। कुआं को साफ करो, कुआं को फिर से चालू करो। और जो लोग अपने घर अपना घर बना लिया है कुआं के ऊपर, उन सबका घर तोड़ा जाए और कुआं को फिर से चालू किया जाए। क्या ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और ये भले मजाक लगता है, हमारे द्वार पर एक बड़ा सा कुआं था, उसी से हम लोग पानी पीते थे। ऐसे वो कुआं हम लोग में ही आता था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे क्या नपाई हुआ, हम लोग में आता था तो चालू था, वो खुला था। हम लोग उसमें कभी कभी बांस डालते थे, मतलब गेहूं का सीजन आता था ना, उसका पट्टा बांधने के लिए। अब नदियों में डालना पड़ता है, बड़े बड़े कुआं तो नहीं है, अब ऐसे ही फाड़ दिया जाता है। तो बात आ जाती है, उस कुआं को जब दूसरे में पड़ गया तो उसको लोग भरवा दिए। हम बोले थे कि कुआं कभी नहीं भरना चाहिए, वो लोग कुआं भरवा दिया। कुआं भरवाना, जो भी कुआं पोखरा भरवाता है वो कभी खुश नहीं रहता है जिंदगी में, ये माना जाता है। क्यों? ये अंधविश्वास नहीं है, ये माना जाता है। प्रकृति क्या बोलती है कि हमको तुम सींचो, तुम जितना हमको सींचोगे हम तुमको उतना सींचेंगे। तो आप बताओ, कुआं भर दे रहे हो, पोखरा भर दे रहे हो, तो नेचर क्या करेगी, आपकी जिंदगी उथल पुथल करवा देगी। तो बात यही है ना, वो लोग चैन से वहीं पर रह पाते हैं ना, जहां कमाते हैं चैन से वहीं पर रह पाते हैं, झगड़ा झंझट आपस में अलग बात हो जाती है। इसलिए कभी भी कुआं और पोखरा दो चीज नहीं भरवाना चाहिए, भले आपके प्रॉपर्टी में हो। नहीं बनाएंगे घर यार, उसपे ठीक तरीके से पोखरा को बनवा दो, उसमें बीम दिलवा दो और नीचे से ही पिलर लेकर एक अच्छा सा उसमें मछली पालन बनाओ, मछली को पालो, ऊपर बकरी पालो, उसके ऊपर मुर्गी पालो, नहीं तो नीचे मुर्गी पाल लो, ऊपर बकरी पाल लो, दो तीन चार पांच सांप डाल दो उस पानी में, सब प्यूरिफाई रहेगा। मेढक डाल दो, मछली भी ठीक, मेढक भी ठीक, सांप भी ठीक, बकरी भी हो गया, मुर्गी भी हो गया, ऊपर अपना घर बनवा लो। चलो छोड़ो, ऊपर गैरेज बन जाएगा, उसके ऊपर घर बन जाएगा। तो इससे एक काम से कितना काम होता है, नीचे मछली पालन, उसके ऊपर मुर्गी पालन, उसके ऊपर बकरी पालन। अब बकरी और मुर्गी का जितना भी वेस्टेज है सब पानी में डाल दो, नहीं तो उसका खाद बिया बनाकर दूसरे खेत में डाल दो, खाद बनवाकर, मतलब उसको थोड़ा दिन रखकर सराया जाता है, सराने के बाद वो खाद बन जाता है। पानी पड़ेगा ना, सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। तो उसका इस्तेमाल होता है किस चीज में, खेत में डाल दिया जाता है, रसायन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। तो एक कुल से वर्तुकतुल सॉरी वर्तुल एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। हर क्षेत्र में गांव में तालाब होता है, काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। हर लोग उससे पानी अपने इलाके में अपने खेतों में पटा सकते हैं। हिस्सा होता है, यहाँ पर दिया गया है, हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जा सकता है, लेकिन जिस जगह पर पानी है वहां पर भी बना दो भैया, कि बाद में ऐसा स्थिति ही ना आए। वे घरों की ढलाव छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टैंकों तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, कि छत और नल साफ हो गए, ठीक है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था, हैंडल को बंद कर दिया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टंकी में वर्षा जल टैंकर में वर्षा जल अगले वर्ष ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, 1 साल तक पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है, मतलब अगले साल तक पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, वर्षा जल उसको बोलते हैं पालर पानी। तो पालर पानी जैसे कि इसे इन इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। तो कोई पूछेगा पालर पानी क्या बोलते हैं, तो आप बोलना वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है भूमि में बना हुआ टैंकर को, टैंकर में, तो उसी को पालर पानी बोला जाता है। याद रहेगा, ये आंसर लिख दोगे सही हो जाएगा। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है, और प्राकृतिक के द्वारा शुद्ध पानी का रूप समझा जाता है बारिश के पानी को। कुछ घरों में तो टैंकों के साथ
भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। टैंकों के साथ एक कमरा भी बना दिया जाता है भूमिगत, कि ठंडा रहेगा। जमीन के अंदर लोग कमरा नहीं बनाता, अंडरग्राउंड कमरा, कि मजा आएगा, ठंडा रहेगा, वैसा। तो आगे है, क्योंकि जल किधर गया, कुल घरों में तो टैंकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। पानी के वजह से राहत मिलती है, इसके वजह से लोग अंडरग्राउंड घर बनवाते हैं और रहते हैं उसमें, ठंडक मिलती है। यहाँ पर देखो, यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पीए जल के कारण कम होती जा रही है। जो वर्षा के जल को एकत्रित करते थे, अब वो कम हो रही है। क्यों? इंदिरा गांधी, यहाँ पर दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर जब चालू हुआ, जिसके वजह से 12 मासी उसमें पीने का पानी आ जाता है, साल भर उसमें पानी रहता है, इसलिए लोग अब टैंकर ही नहीं बनवाते। सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। और सुविधा भी है भैया, कि नल का पानी का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता जितना उस नहर का लगता है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। जल को बचाने में और जल को इकट्ठा करने में यह प्रक्रिया, ये प्रयोग, ये तरीका आज भी काम आता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में, कर्नाटक, अब चलाओ कहाँ, पूरब नहीं, पश्चिम नहीं, सीधे दक्षिण में चल जाओ, साउथ में। तो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गुंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में, कितना, गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। मतलब 200 गांव उस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और 200 गांव संपन्न गांव के रूप में अब गिने जाते हैं। पानी के, जल वर्षा के संपन्न गांव की ख्याति उनको मिल चुकी है, कि भैया आप इतना गांव में इतना पानी इकट्ठा किया जाता है, इज्जत से लोग बुलाते हैं। यहाँ प्रयोग किया जा रहा वर्षा जल, वहां पर वर्षा जल को, पानी जो बरसता है उसको संग्रहित किया जाता है। उस ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। 3.4 को देखेंगे तो मालूम चलेगा किस तरह पानी को इकट्ठा किया जाता है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1,000 लीटर वर्षा, कितना, 1,000 लीटर वर्षा होती है। 1,000 लीटर का मतलब समझ लो, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई हो तो करीबन 6 फीट उतना पानी हो गया। 6 फीट नहीं माना, 4 फीट बारिश सोचता है तो 1,000 लीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहां पर दिख नहीं रहा है कितना, चित्र बताया है 3.4, ये 3.7 है। अच्छा, ऊपर जो मैं टैंकरों से पानी में बोला ना, नीचे आने आता है वो, उसको बोल रहा है। हाँ, तो आप ये समझो, एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजस्थानी शिलांग में, कहाँ पे, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। शिलांग से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर यह चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित है। और समझो यहाँ पे, और यह शहर पीने के जल की कमी भी गंभीर समस्या का सामना करता है। और जो शिलांग शहर है, वहां पर पानी पीने के लिए भी बहुत ज्यादा समस्या है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है, ये छत के पानी को बचा कर रखना। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की आपूर्ति छत जल वर्षा से हो जाती है। उस व्यवस्था से 15 से 25% तक व्यवस्था हो जाती है पानी पीने का। ये देखो किस तरह ऊपर से पाइप ला ला कर नीचे ये लोग सब कोई अपना अपना पानी इकट्ठा करता है टैंकर में।
छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों में, थार मतलब रेगिस्तान वाले सभी शहरों में ग्रीमो से प्रचलित है, बहुत साल से प्रचलित है। यहाँ पर ग्रामो है मतलब गांव से प्रचलित है। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों, किस पर ढालू छतों पर गिरता है, ढला हुआ छत पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टैंकर के अंदर लेकर जाया जाता है। भूमि में गोल छेद जो मुख्य घर अथवा आंगन में बहना होता है, वो कहाँ बहता है, भूमि में गोल छेद में जो मुख्य घर आंगन में बना होता है उसमें चला जाता है। ऊपर दिखाया गया है कि चित्र दर्शाया गया है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। देखो लाया जा रहा है, आंगन में गिर रहा है डायरेक्ट, वहां से वो अंदर चला जाता है, लाया जाता है। उसके बाद से जब पानी आ जाता है तो चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टैंकर में चला जाता है। यहाँ पर छेद आपको कहीं दिख रहा है क्या? इसमें कहीं भी छेद नहीं दिख रहा है क्योंकि चित्र में उतना साफ नहीं दिख रहा है, तो छेद नहीं दिखा। यहीं पर छेद है, यहां पर नीचे ही वहां से पानी चला जाता है। अब आते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप, बांस से जो पहले फाड़ फाड़ कर लोग पाइप बनाता था उसे इकट्ठा किया जाता है। 200 वर्ष पुराना प्रचलित ये विधि है, 200 वर्ष नहीं उससे भी पहले का है। 18 से 20 लीटर सिंचाई का पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक, बहुत दूरी तक लेकर जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है, मतलब स्पीड कम करके आपको पौधे पर दे दिया जाता है कि एक मिनट में ज्यादा ज्यादा 80 बूंद गिरेगा। चित्र पहाड़ी शिखरों पर सदानीर झीलों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का प्रयोग किया जाता है। इस पाइप के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा मतलब चुंबकीय शक्ति हमारे जो धरती में है उसके द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण था इसके वजह से पानी ढलान होता है, तो पानी ढलान होता है तो लोग इस्तेमाल करना थोड़े भूलेंगे भैया। पहले भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन के पहले का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, भले पता नहीं था कि ये क्या है, नाम क्या है, लेकिन मालूम तो था, हम लोग चुंबकीय शक्ति बोलते थे। तो बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई जाती है, बांस पाइप से बनाई जाती है, पौधा तक जो जाता है बांस के पाइप से बनाई जाती है। बांस को छेद छेद करके फाड़ फाड़ करके लोग बनाते थे, तो वैसे पानी वहां पर पहुंचाया जाता है। विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित होती है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बट जाती है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब बांस का जो पाइप होता है उसी में पानी को घुमाकर इसका स्पीड को नियंत्रण में, मतलब उनका जो तेज बहाव होता है उसको नियंत्रण में लिया जा सकता है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। चित्र 4, इसमें दिखाया गया है यदि पाइप को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है, जैसे ऊपर दिख रहा है ना किस तरह बांस लेकर जाया गया है उस तरह। उसके बाद से आते हैं 5 और 6, फिर इस तरह ढलाओं में लेकर आएंगे और फिर खेतों तक ले जाएंगे। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और चैनल सेक्शन, मतलब जो पाइप का सब जो कटा कटा होता है ना उसको, और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से सबसे अंतिम में पौधे की जड़ों में निकट जल गिराया जाता है, पानी कहाँ एकदम पौधे के निकट में गिराया जाता है, और ऐसे ही सब कुछ काम करता किया जाता है। देखो कितना आसानी से सब यहाँ पर पहाड़ों का पानी स्थानीय इलाके में लेकर आ जा रहे हैं। और यहाँ पर है
और 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है। बहुत ज्यादा वहां पर पानी बचा कर लोग रख सकते हैं। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल 50 लीटर पानी, 50 मीटर जल समझते हो ना, बहुत ज्यादा जल हो जाता है, तो 50 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। 200 घर मिलाकर 10 लाख पानी इकट्ठा करता है, 10 लाख लीटर बहुत पानी हो जाता है वो, समझो कि 10 लाख मीटर मतलब एक पूरा नहर का पानी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत जल वर्षा संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। आज कहीं भी तमिलनाडु में चले जाओ तो आपको वहां कुआं मिलेगा, हर घर में कुआं मिलेगा। मैंने जाना है ना, कुआं मिलेगा। हमारे बहुत सारे संगी साथी रहते हैं तो बताते हैं कि हम कुआं के पानी से नहाए हैं, तो हम बोले कि अभी भी कुआं है, तब बाद में मालूम चला कि ये छत का पानी जाता है उसमें। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है, जिसके वजह से वो जेल जाएंगे। इससे बढ़िया ही करवा लो यार। क्रियाकलाप, सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करते हैं। अपना मटेरियल सब डाल देते हैं ना, कचरा पानी में कह लिए, नदी में लाकर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल प्रवाह पर, जल विवाद पर एक नाटकीय प्रस्तुत करें, मतलब एक नाटक प्रस्तुत करें वहां पे। यहाँ पर बहु विकल्प प्रश्न है, एक बताता हूँ। नीचे दी गई सूचना के अनुसार स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित के वर्गीकृत कीजिए। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, क्वेश्चन को समझ जाएगा ना तो आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं दे रहा है, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर, जो नीचे सूचना दिया गया उसके आधार पर जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। कैसे हो सकता है, जल की कमी भी हो और उससे बचने का मौका भी। तो कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र नहीं, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो है क्या, जल की कमी से प्रभावित, जल भी नहीं है, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र नहीं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र नहीं। इसमें आंसर होगा ग, कौन सा होगा, ग ये वाला। बाकी है नीचे निम्नलिखित प्रश्न है, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना है और इसका 120 शब्दों में देना है, बाकी बस खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे अगले अध्याय में कृषि, चौथा अध्याय है कृषि, इसमें खेती बाड़ी करने के लिए सीखेंगे कहाँ से कौन सा मिट्टी, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप ऐसे ही अपने डाउट को क्लियर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। आपको जो चीज भी डाउट है, दिक्कत है, आप तुरंत इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के पोर्टल पे मतलब चैनल पे आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। और कुछ पूछना है फिर भी आप पूछो। धन्यवाद।